हाय गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम नागपुर से पचमढ़ी रोड ट्रिप करके आए हैं अपनी फैमिली को लेके द समर हाउस में एक शॉर्ट समर गेटअवे के लिए। द समर हाउस पचमढ़ी का एक बहुत ही प्यारा लग्जूरियस बुटीक होटल है जिसका पूरा टूर मैं आज आपको देने वाली हूँ। पूरे चेक इन प्रोसेस के बाद और वेलकम ड्रिंक पीने के बाद में जो हमने होटल की सबसे शुरुआत के जो ग्लिम्सेस देखे उसमें होटल बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था। मैं आपको प्राइसेस रूम के साथ साथ आगे दिखाऊंगी, पर सबसे पहले हम इतने लंबे ट्रिप के बाद थक गए थे, सबसे पहले वी वेंट टू आवर रूम्स, इसलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे रूम के टूर के साथ। हमने द समर हाउस में एक स्वीट बुक किया है जो कि फैमिली स्टेज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें रात को एक्स्ट्रा बेड्स लग जाते हैं। इनमें एक सेपरेट लिविंग रूम है और बेडरूम एरिया सेपरेट है, तो जो लिविंग रूम का एरिया है वहाँ पे टेबल हटा के रात में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लग जाता है बच्चों के लिए। इस डीलक्स फैमिली स्वीट का कॉस्टिंग जो आपको नेट पे दिखाता है वो 12,900 दिखाता है, यानी 13,000 लगभग ले लो पर नाइट के लिए। लेकिन यूजुअली आपको booking.com या मेक माई ट्रिप कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, 9,000 से 11,000 पर नाइट में आपको ये रूम इजीली मिल सकता है। हमारे रूम में टी एंड कॉफ़ी स्टेशन के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी थे बच्चों के लिए, जैसे कि चिप्स एंड बिस्किट्स, कॉम्प्लीमेंट्री ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टीवी है, एयर कंडीशनिंग के दो यूनिट्स हैं, दो एसीज़ लगे हैं, एक इस मास्टर बेडरूम की तरफ जो आप देख रहे हैं और दूसरा लिविंग रूम जो अभी हमने इसके पहले देखा। स्टोरेज के लिए दो काफी बड़े वार्डरोब्स दिए गए हैं। एंड दिस इज द बाथरूम जो कि आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न बना हुआ है एंड इट इज वेरी वेरी स्पेशियस विच आई लाइक्ड वेरी मच। सारे ही टॉयलेटरीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल, सोप्स, डेंटल किट जिसमें टूथपेस्ट रहती है, टूथब्रश रहता है आपका, एंड देन शेविंग किट, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्विमिंग पूल है जो कि हम बाद में देखेंगे, तो बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर भी है। अब वापस रूम में चल के यहाँ का, हमारे रूम का सबसे प्यारा फीचर देखते हैं विच इज़ दिस बालकनी। सारे ही रूम्स और स्वीट्स में किसी ना किसी तरह का आपको एक आउटडोर एरिया मिलता है, जैसे कि कहीं बालकनी है, सबके व्यूज़ डिफरेंट है, कहीं से हिल्स का व्यूज़ है, हमारा फैमिली स्वीट है यहाँ से इस गार्डन का व्यू है, कहीं बालकनी की जगह जो ग्राउंड फ्लोर हैं उन पे आपको साथ में वेरांडा मिलेगा। सो सभी के साथ में एक कुछ ना कुछ इस तरह का फीचर है। ये एक फुल व्यू देख लीजिए हमारे रूम का कि ये कितना बड़ा है, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि रात में या आप चाहें तो दिन में भी यही लिविंग रूम में बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बेड कैसे सेटअप हो जाता है। अपने रूम में कुछ देर आराम कर लेने के बाद अब हम फाइनली नीचे उतर के पूरा होटल एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। रिसेप्शन एरिया तो हमने आते साथ ही देख लिया था। पर ये जो मेन लॉबी है ये इस होटल के पूरे डिजाइन का हाईलाइट है एंड आई लव दिस फीचर वेरी मच।
हमारे लेफ्ट में है यहाँ का रेस्टोरेंट जिस पर हम बाद में आएंगे, और राइट साइड में है ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स जिनके साथ है वेरांडाज। मैं आपको अभी इनके बारे में बता रही थी। जो डिफरेंट रूम टाइप्स हैं मैं उनका भी वीडियो लेकर आई हूँ, जिनको मैं सेपरेटली अपने चैनल पे आगे डाल दूंगी। अगर आपको डिफरेंट टाइप के रूम्स में इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग एक प्रेसिडेंशियल सुइट है यहाँ पे, तो आप आगे के वीडियो सेपरेटली उन रूम टूर्स के लिए देख सकते हैं। द समर हाउस, जब आप वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में ऐसा ही कुछ इमेजिन करते हैं कि कोई जगह जो किसी हिल स्टेशन पे हो, बहुत हरी भरी हो और जहां आप अपने शहर की गर्मी से बचने के लिए जा सकें। द समर हाउस पचमढ़ी डज नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। आप देख ही सकते हैं कितनी ब्यूटिफुली लैंडस्केप्ड और मैनीक्योर्ड है यहाँ के गार्डन्स, और पचमढ़ी हिल का नज़ारा बिल्कुल सामने ही है। एंड नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट रेस्टोरेंट द फाइव, जहाँ पे हम अभी लंच लेने वाले हैं। सुबह बुफे ब्रेकफास्ट भी यहीं पर लगता है, जो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी। लंच यहाँ पर आला कार्ट होता है, यानी आप मेन्यू में से देखकर ऑर्डर कर सकते हैं आपको क्या खाना है। बुफे नहीं लगता है, बुफे सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए लगता है। यहाँ अगर आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ आए हैं तो वो यहाँ पे आपके लिए बुफे भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। द रेस्टोरेंट इज़ वेरी प्रिटी एज यू सी। ये चेयर्स तो मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। अंदर बैठने के अलावा आप लॉबी में भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी कुछ यूनिक टाइप का सीटिंग है आपके लिए। पर हमारी फेवरेट जगह यहाँ पे लंच करने की इज़ आउटडोर्स। यहाँ पर जो लॉन है उसमें आउटडोर डाइनिंग के लिए बहुत प्यारी सीटिंग बनाई गई है, और यहाँ इस छोटे से ट्रीज़ के ग्रोव के अंदर हमें मिली हमारी फेवरेट टेबल, जहाँ पे हमने हमारे सारे लंचेस लिए। हमारे यहाँ के पहले लंच की शुरुआत हुई पिज़्ज़ा के साथ, जो कि बच्चों को देखते हुए शेफ ने खुद ही रेकमेंड किया। द पिज़्ज़ा वॉज डिलीशियस, और जब तक हम अपने मेन कोर्स का वेट कर रहे थे, यहाँ के स्टाफ ने बच्चों को ले जाके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई। क्या आपने इस फ्रूट को पहले कभी देखा है? हमने नहीं देखा था, दिस वॉज आ फर्स्ट टाइम। ये दिखने में दूर से एक छोटा सा गुआवा जैसा दिखता है, पर इसका नाम, यू विल नॉट गेस, इसका नाम है गुलाब जामुन। जी हाँ, इस फ्रूट का नाम है गुलाब जामुन, और ये फर्स्ट टाइम था जब हमको इसके बारे में पता चला। हमारे जो ट्रैवल के वेकेशन के एक्सपीरियंसेस थे, यूनिक एक्सपीरियंसेस, वो यहीं से शुरू हो गए। एक बहुत ही डिलीशियस इंडियन लंच के बाद जब डिज़र्ट ऑर्डर करने की बारी आई, तो ऑफ कोर्स वी वेंट फॉर गुलाब जामुन, बट इस बार दूसरे टाइप का। लंच के बाद कुछ देर तो बच्चों ने यहाँ के प्ले एरिया में टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम सभी चले गए यहाँ के स्विमिंग पूल में, जो कि बहुत ही इनवाइटिंग लग रहा था उस लंबी गर्मी वाले नागपुर से पचमढ़ी के रोड ट्रिप के बाद। स्विमिंग पूल बहुत ही फैमिली फ्रेंडली है, एक तरफ एकदम छोटे टॉडलर्स के लिए भी उतरने के लिए बहुत शैलो जगह है, और बाकी का पूरा पूल भी ज़्यादा डीप नहीं है, आप इजीली उसमें खड़े हो सकते हैं। स्विमिंग करने के बाद हम जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ, और अब शाम होने के बाद में द समर हाउस दिख रहा है कुछ ऐसा। सारे लाइट्स ऑन होने के बाद द लॉबी इज़ लुकिंग सो मैजिकल। रिसेप्शन एरिया के पास जो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन स्टैंड है, उसमें बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई हैं फॉर ग्रोन अप्स एज वेल एज किड्स। बच्चों ने तो यहीं से एक एक बुक उठा ली, और फिर वो काफ़ी थक गए थे, आज हम रोड ट्रिप भी करके आए, अभी पूल में भी इतनी मस्ती की, तो उन्होंने रूम में ही अपना डिनर ले लिया और हॉट चॉकलेट मंगवा लिया। हम लोग डिनर करने के लिए नीचे आ गए। सबसे पहले मैं आपको द समर हाउस का बार दिखा देती हूँ, विच इज़ वेरी प्रिटी।
और आज के डिनर में हमने फिर से इंडियन चूज़ किया, द सूप, द स्टार्टर्स, द मेन कोर्स, सारी सब्जियाँ, दाल, डिज़र्ट, एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी डिलीशियस. द समर हाउस में हमारी पहली मॉर्निंग हुई पचमढ़ी हिल के व्यूज़ के साथ, जिसके बाद हम चले गए बुफे ब्रेकफास्ट के लिए. बुफे ब्रेकफास्ट इज़ वेरी लैविश. यहाँ पे डेली नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी सब कुछ रहता है. आप वीडियो पॉज करके एक एक आइटम देख सकते हैं. इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ मेड टू ऑर्डर खाना चाहें, जैसे कि डोसे, उत्तपम, तो वो सब भी यहाँ के शेफ्स और स्टाफ आपको इमीडिएटली गर्मा गर्म सुपर टेस्टी बना कर देते हैं. आज हमने बुफे में से सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा सैम्पलिंग ही किया, क्योंकि आज हमारा एक एक्सकर्शन प्लान्ड है. हम एक नेचर ट्रिप के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए द समर हाउस ने हमें ब्रेकफास्ट पैक करके दिया है, जो कि हम वहाँ नेचर में एंजॉय करने वाले हैं. पचमढ़ी के जो रेगुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उनसे हट के अगर आपको पचमढ़ी का नेचर कुछ और एंजॉय करना है, तो द समर हाउस कैन ऑर्गेनाइज एक्सेलेंट एक्सकर्शंस फॉर यू. इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग भी है, एक हाइक है, नेचर ट्रैक्स हैं, ट्राइबल विलेजेस के विजिट्स भी आप कर सकते हैं वहाँ के केव पेंटिंग्स देखने के लिए. इनके प्राइसेस जो हैं डिफ़र करते हैं, 6,000, 8,000, या अगर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क जाना है तो फिर पार्क की फ़ीस भी ऐड हो जाएगी, सो दैट विल बी अराउंड आई थिंक 12,000, 13,000. आप यहाँ कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं. बाकी हमारा जो नेचर ट्रैक था, वो हमारी पूरी विजिट का हाई पॉइंट था, और इसका पूरा वीडियो मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ अपने चैनल पर. टूर से आके बच्चों को तो जैसे थकान ही नहीं हुई थी, उन्होंने फिर से प्ले एरिया में एंजॉय किया, पर हमने अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठकर लेमन सोडा एंजॉय किया अलॉन्ग विद सम स्नैक्स. आज का लंच हमने शेफ्स रिकमेंडेशन पे कॉन्टिनेंटल लिया, जिसमें था मशरूम सूप, रशियन सैलड, पास्ता इन वाइट सॉस, ओरिएंटल वेज सिजलर एंड अनदर सिजलर जिसमें पैटी और राइस थे. Both the sizzlers were some of the best sizzlers I have ever had. वैसे भी पूरे पचमढ़ी में आपको अगर sizzlers खाने हैं तो सिर्फ द समर हाउस में ही मिलेंगे. और डिजर्ट आज सबने अलग अलग ऑर्डर किया, ब्राउनीज, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम एंड मूंग दाल का हलवा. आज हमारा सेकेंड हाफ पूरी तरह से फ्री था, तो हमने द समर हाउस की सारी एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर की. यहाँ पर है एक टेलीविज़न, एक छोटी सी लाइब्रेरी और मेरे बच्चों की सबसे फेवरेट जगह, द गेम्स एरिया. द हब यहाँ का इंडोर एक्टिविटी सेंटर है, और यहाँ पे बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, पूल, कैरम. और हमारा फैमिली फेवरेट जेंगा. ग्रोन अप्स कैन एंजॉय अ मोर रिलैक्सिंग एक्टिविटी एट द स्पा. मैं आपको स्पा के इंटीरियर का एक छोटा सा क्विक टूर देती हूँ.
अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए यहाँ का मेरा जो सबसे फेवरेट स्पॉट था, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ अब, वो है यहाँ का सेकेंड रेस्टोरेंट पैन अरोमा। यहाँ से आपको मिलेंगे अनपैरेलल्ड व्यूज ऑफ दिस ब्यूटिफुल सनसेट इन द सतपुड़ा हिल्स। सामने पचमढ़ी हिल दिख रही है आपको, कुछ और हिल्स दिख रहे हैं, और गोल्डन आवर स्पेंड करने का सबसे बेस्ट स्पॉट द समर हाउस में ये ही है। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी शाम की चाय या कॉफ़ी, या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं हाई टी, जिसमें बहुत यमी स्नैक्स यहाँ के शेफ्स आपको बना के देते हैं टू गो विथ योर टी और कॉफ़ी। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर हाई टी, यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर मॉकटेल्स और ड्रिंक्स अलॉन्ग विथ स्नैक्स। चाहे आपकी चॉइस जो भी हो, पर मेरे हिसाब से पैन अरोमा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए एट द समर हाउस। और हमारी लास्ट मॉर्निंग में फिर से पचमढ़ी हिल के व्यूज के साथ साथ हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का अमेजिंग बुफे ब्रेकफास्ट। बुफे के आइटम्स के साथ साथ आज हमने सारे हॉट आइटम्स भी ऑर्डर किए हैं, जैसे कि डोसा और उत्तपम। द समर हाउस पचमढ़ी में हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल था, बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत मेमोरेबल था। ऐसी कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ या मैं किसी में कुछ कमी निकालूं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ बच्चों को करने के लिए। एक फैमिली के लिए द समर हाउस इज़ अ परफेक्ट गेटअवे, अगर आप नागपुर या भोपाल या आसपास की किसी और जगह से आना चाह रहे हैं तो। कई टाइप के रूम्स हैं यहाँ, मैंने आपको जैसे बताया, उनके सेपरेट वीडियोस मैं आगे अपने चैनल पे डाल दूँगी, सो यू कैन मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड चॉइस। बाकी बात चाहे यहाँ की ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग की हो, जिसको कि मैंने नोटिस किया यहाँ के गार्डनर बहुत ही पैशन के साथ में टेंड करते हैं, या फिर यहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग, आउटडोर इंडोर, पैनोरामा के सनसेट व्यूज़, या फिर यहाँ का अमेजिंग खाना, इंडियन कॉन्टिनेंटल ऑल द डिज़र्ट्स, या ऑफकोर्स यहाँ के सारे एक्टिविटीज़, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या हमारे आउटडोर एक्सकर्शंस हो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आई होप आपको भी ये होटल और आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर।